ये लैंड ऑक्सीडेंट आपके रेलवे सिक्स सेमिस्टर में पेपर थर्ड आएंगे लैंड ऑक्सीडेंट, इसी में यूपी कंसोलिडेशन होल्डिंग एक्ट 1953 सेक्शन 8 के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सेक्शन में हम आपको शायद डिस्कशन कर चुके हैं इस सेक्शन में क्या होता है। इसमें रिवीजन ऑफ द फील्ड बुक एंड करंट एनुअल रजिस्टर इसका होता है, रिवीजन होता है, और दूसरे में डिटरमिनेशन ऑफ द वैल्यूएशन एंड शेयर इन ज्वाइंट होल्डिंग, ठीक ना। इसका हिंदी क्या होता है, खसरत का चालू वार्षिक रजिस्ट्री का पुनरीक्षण, ठीक ना। संयुक्त जोतों के मूल्यों में अंशों का अवधारण, ठीक ना। ये सेक्शन कब आता है, सेक्शन 7 के बाद, सेक्शन 7 के बाद जो है जब नक्शों का पुनरीक्षण हो जाता है जिला उप संचालक चकबंदी उपबंधों के अधीन जो है वो जो है कटक के खसरों का, कटक के खसरों का जो है वो जो है खेतवार पड़ताल के पश्चात चालू वार्षिक रजिस्टर में परीक्षण और जांच पुनरीक्षण कराएगा, ठीक ना। उसका कराएगा क्या, प्लाट वार खेतवार जो है उसका पुनरीक्षण कराएगा। और दूसरा है चकबंदी की परामर्श समिति होती है, चकबंदी में क्या होती है, समिति होती है, उसमें सदस्य होते हैं, ठीक ना। उनके परामर्श से प्रत्येक गाटे का क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा और उस गाटे का उत्पादन शक्ति देखेगा क्या है, किस स्थिति में है प्लॉट, ठीक ना। सिंचाई की क्या सुविधा है इसका इंतजाज करेगा और उस पर विचार करेगा। और गाटों में अगर पेड़ है, क्या है, पेड़ है, कुआं है, कोई ऐसी समुन्नतियां हैं, समुन्नतियों का मूल्यांकन उसका प्रतिकर अंकलित करने के प्रेरणा करेगा, ठीक ना। जैसे ये आम का पेड़ है, ये आम का प्लॉट है, इसमें एक आम का पेड़ है, तो इसके जो मूल्यांकन होगा इसके इसका भी मूल्यांकन किया जाएगा, इसका मूल्यांकन उसमें एड कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो इसका भी एक जो है वो हो जाता है, इस तरह से हर चीज जो है कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यदि एक से अधिक स्वामी है, मान लीजिए ये प्लांट है आपका, ये प्लांट है, इसमें स्वामी ए है, बी है, सी है, शाखादार है, तो इसमें किसका कितना शेयर है इसका निर्धारण करेगा, क्या करेगा, इसका कितना शेयर है, उचित मूल्य में इसका कितना शेयर है इसका भी निर्धारण करेगा, ठीक ना। और उचित चकबंदी करने के लिए जो है वो जो है विभाजन करने के लिए संयुक्त जोतों को प्रत्येक खातेदार का अंश अवधारित करेगा, उसको डिवाइड करेगा कितना किसका होता है। मान लीजिए ए का हिस्सा कुछ ज्यादा है, बी का कम है, सी का सबसे कम है, उसी अंशों के आधार पर जो है वो डिसाइड करता है कि किसका कितना अंश निर्धारित किया है। ये सेक्शन 8 के अंतर्गत होता है, ये एक वो बनता है लेआउट रेखा बनती है, ठीक है। और उप संचालक चकबंदी कटक के अंतर्गत आने वाले घाटों के संबंध में नियत आकार में खसरा चकबंदी तैयार करवाएगा, क्या करेगा, नियत आकार में खसरा चकबंदी तैयार करवाएगा, ऐसा विवरण तैयार करेगा जिससे अशुद्धियां क्या है इस प्लॉट में, विवाद क्या है दिखाए जाएंगे, जो वार्षिक रजिस्टर और उनकी जांच करते समय प्रकाश में आए हुए, ठीक ना, उन अशुद्धियों को रखा जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, सेक्शन 8 का 8A, सेक्शन 8A आ जाएगा, ठीक ना। एक प्रिंसिपल तैयार करेगा, एक सिद्धांतों का एक विवरण तैयार करेगा, उसमें क्या करेगा, सहायक चकबंदी अधिकारी जो है चकबंदी परामर्श समिति से परामर्श करके ये चकबंदी क्रियाओं के अधीन प्रत्येक गाटे का कटक के संबंध में विवरण तैयार कर नियत आकार में कहेगा, ठीक ना, कर लिया। दूसरा, उस सिद्धांत में जिस आधार पर चकबंदी प्रक्रिया की जाएगी उसको जो है
वो किया, ठीक ना। हाँ, इसके बाद जो है अब बात आती है कि चकबंदी प्रक्रिया आपकी, और उसके बाद आपको नोटिस दी जाएगी, कहा दी जाएगी, नोटिस दी जाएगी। अब उस जो सिद्धांत होगा उसमें क्या उल्लिखित होगा, क्या क्या उसमें सम्मिलित होगा, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। एक एक ये जो सिद्धांत बनेगा, सिद्धांत, ठीक ना, जिसके आधार पर आपकी चकबंदी प्रक्रिया चलेगी, जिस प्रिंसिपल के तहत आपका ये चकबंदी प्रक्रिया चलेगी, उसमें निम्नलिखित बातें होंगी, उनका निम्नलिखित विवरण होगा। निम्नलिखित सिद्धांत में निम्न बातें होंगी, ठीक ना, वो बातें क्या होंगी, नंबर का उन क्षेत्रों का ब्यौरा जहां तक संभव हो अवधारित किया जा सके आबादी के प्रसार के लिए, उन क्षेत्रों का ब्यौरा दिया जाएगा कि कहां आबादी का प्रसार किया जाना है। आबादी मतलब जैसे ये गांव है, गांव में लोग बसे हुए हैं, तमाम लोग जो है जगह बसे हैं, तमाम आबादी की आवश्यकता है आबाद होने के लिए, गांव में और भी जो चीजें हैं वो करने के लिए, तो इसमें यह इधर सब खेत लगे हुए हैं, तो देखते हैं कि आबाद होने के लिए यहाँ जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि लोग सामान्य रूप से रहने में दिक्कत हो रही है, तो ये आबादी का प्रसार करेगा चकबंदी, तो इस क्षेत्र का ब्यौरा लेगा कि यहाँ जो है आबादी का प्रसार किया है जाना है, ठीक ना, ये चीज होगी। हरिजन और भूमिहीन जो लोग हैं उनके आबादी के लिए देखेगा कि कहां कौन सी ऐसी जगह है जो हरिजन और भूमिहीन लोगों को देना है, उसका ब्यौरा रहेगा, ठीक ना। और सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कौन सी जमीन हमको सेलेक्ट करना है, कहां कैसे करना है, ये चीज जो है रहेगा। खामे क्या करते हैं, खामे वो आधार जिससे खातेदारों का आबादी प्रसार के लिए सार्वजनिक प्रयोग के लिए जमीन देंगे, खातेदार जो हैं किस आधार पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए और आबादी के प्रसार के लिए किन आधारों पर वो खातेदार अपनी जमीन देंगे, वो आधार तैयार किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है गांव सभा, कौन सी जमीन जो है गांव सभा में निहित की जाएगी जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए हो, उपलब्ध हो, ठीक ना। उसके बाद आपका आता है क्या, मानक डाटा, मानक डाटा, ठीक ना, मानक डाटा, प्रत्येक घटक के लिए मानक डाटा होना चाहिए, ठीक ना, इसका जो है कैसे करते हैं, इसका निर्धारण कैसे करते हैं, ठीक ना। अब ये मानक डाटा क्या है, मानक डाटा, मानक डाटा क्या करेंगे, सहायक चकबंदी अधिकारी, कौन, सहायक चकबंदी अधिकारी गाटा या गाटों की उत्पादकता देखेगा, इसमें उत्पादन कितना है, इसकी क्षमता कितनी है, इसमें उत्पादन कितना हो रहा है, किस स्थिति में है, ठीक ना, वर्तमान में मिट्टी किस श्रेणी की है ये भी देखा जाएगा, ठीक ना। ध्यान रखते हुए चकबंदी समिति के सदस्यों और कटक के खातेदारों से परामर्श करके कि सर्वोत्तम गाटों का अवनिश्चय करेगा, तो सर्वोत्तम जो गाटे होंगे वो उसका अवनिश्चय करेगा, ठीक ना। और उपधारा को खंडगा में निर्दिष्ट मानकों गाटों अवधारण करेगा, ठीक ना, वो सब जो है करेगा। ये केस है, नोट करिए, सुंदरलाल, सुंदर लाल बनाम डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर
डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन महोबा, कंसोलिडेशन सा ली दे सन महोबा पब्लिक कलेक्टर। ठीक ना, ये केस है। इस केस में ये डिसाइड किया गया कि अगर केस है 2006 में हुआ था, ये आरडी मिलेगा, ये आरडी मिलेगा, पेज कितने मिलेगा, ये पेज मिलेगा ये 100 पेज के लिए 70 गुणी है। ये इसमें क्या कहा गया था, इसमें ये कहा गया क्या कि अगर सेक्शन 8 और 8A के अंतर्गत कोई अवैधता और या अनियमितता की जाती है, कोई इलीगलिटी है, कोई अनियमितता है, ठीक ना, तो जो निर्मित औपबंधिक चकबंदी योजना धारा 19 का के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो सकती। कैसे हो, जब आपने इसमें तमाम जो है अनियमितता कर दिया है और तमाम इसमें इलीगल है, तमाम हर चीज आपने रॉन्ग डिसीजन लिया है, तो वो जो है धारा 19 का के अंतर्गत प्रावधान था चकबंदी नहीं हो सकती और काश्तकारों को निष्पक्ष और उचित कटक जो है वो आवंटित नहीं किया जाता। भाई कैसे करेंगे आप, जब आपने पूरा निरीक्षण नहीं किया है, प्रॉपर वे में उसका सर्वे नहीं किया है, प्रॉपर वे में एक लिस्ट नहीं बनाई है, प्रॉपर वे में एक रूल नहीं बनाया है, तो चकबंदी प्रक्रिया कैसे करेंगे, उनको कैसे मिलेगा, प्रॉपर आवंटन हो पाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है यार, ये करने के लिए इसमें जमीन की वैल्यूएशन लिखी जाती है, उसकी स्थिति लिखी जाती है, उसी आधार पर एक दूसरे में मर्ज कराया जाता है। आप समझे ना, समझे, जैसे किसी जमीन की वैल्यूएशन जो है वो मान लीजिए 10 है और किसी जमीन की वैल्यूएशन जो है क्या है 5 है। ठीक, अगर ये 10 वैल्यूएशन वाली जमीन यहाँ आके फोड़ेगी तो ये कितना हो जाएगा, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, इसका डबल क्षेत्रफल जो यहाँ है इसका मिल जाएगा। अगर यहाँ जाएंगे तो इसका जितना क्षेत्रफल इसका 1/2 हो जाएगा, होता नहीं है मालियत, मालियत कम मालियत ज्यादा मालियत होता क्या है, अगर इसमें आप निष्पक्ष भाव से कायदे से नहीं समीक्षा किया है तो मालियत आपकी कम लगेगी या ज्यादा लगेगी। ठीक है, मालियत अगर ज्यादा लगती है तो अगर आप कम मालियत में जाते हैं तो आपको ज्यादा क्षेत्रफल का प्लाट मिलता है। लोग करते क्या है, जिसको मान लीजिए उनकी मालियत ज्यादा है 10 है, अब वो देख रहे हैं कि कौन सी जमीन अच्छी है और उसकी हमको क्या करना है, मिलकर के मालियत कम लगवानी है और हमको वहीं जाना है। कहाँ जाना है, तो क्या करेंगे, कम मालियत लगा करके यहाँ शिफ्ट हो देंगे। अगर यहाँ इनका 1 हेक्टेयर है, यहाँ इनको मिल जाएगा कितना 2 हेक्टेयर और मालियत कम लगवाए हैं, जो मालियत उसकी वास्तविक मालियत होनी चाहिए उससे कम लगवाए हैं, क्या करके, अरे कुछ अदरवाइज। ठीक ना, तो ये लाभ में हो जाएंगे, किसी को मुकदमा होता है दीवार डी वाली लाभ है, सड़क के किनारे जमीन है और इसकी मालियत इतनी, ये तो बहुत वैल्यूएशन जमीन है, इसमें तो बहुत घाटा हो जाए, तो ये सब मुकदमों का कारण बनते हैं। ठीक ना, ये चीज जो है इसमें निर्धारित किया गया, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ही विफल हो जाएगा चकबंदी, जब आपके पूरा वो लेआउट नहीं बना पाएंगे, पूरा जो प्रिंसिपल है उसको कायदे से लेआउट उसका नहीं बना पाएंगे तो चकबंदी क्या करेंगे आप, खाक, तब तो मुकदमों की भरमार होगी, मार होगी, सर फूटेगा। जब गलत सलत आप मालिक देंगे और ये सब चकबंदी में बनाया हो ही जाता है, आप समझे समझ, तो ये चीज जो है अगर इसमें फिलोमेंट है चकबंदी डिपार्टमेंट का तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और एक चकबंदी प्रक्रिया का उद्देश्य जो है पूरी तरह से सफल हो जाएगा। जाना।
तो ये चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही जो है नेक और नियमित से या बहुत ही सावधानी से इसकी समीक्षा करनी चाहिए, ठीक ना। अगर इसमें आपने असावधानी किया, इसमें लापरवाही किया, अदरवाइज मीन्स पे आप प्रभावित होकर के आपने डिसीजन गलत ले लिया, तो आपकी चक्रवृद्धि प्रक्रिया जो है पूरी तरह से अपने उद्देश्य में विफल हो जाएगी, मानी नहीं जाएगी और तमाम मुकदमों का स्रोत बनेगी, तो जिससे चकबंदी के जो उद्देश्य है वो विफल हो जाएगी। ठीक, दैट्स ऑल। नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट।